हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लिमिटेड सिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जिनको आपको कभी नहीं चुनना है, कभी भी अपने लिए ऑप्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम प्यार करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे इंसान से प्यार करें या हम अपने लिए कैसा इंसान चुनें। तो क्या होता है कि जब हम प्यार कर लेते हैं और इन फ्यूचर में कभी भी अगर हमारा दिल टूटता है तो फिर हम ये कह देते हैं फटाक से कि किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो धोखा देगा। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि माथे पे लिखा होता है। ये वीडियो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन है कि आपके हार्ट को ब्रेक होने से बचाया जा सके, आपका जो प्यारा सा मासूम सा दिल है वो टूटने से बच सके, ये इस वीडियो का पर्पज है। तो आप डायरेक्ट आते हैं उस पर, जो बारीकियां हैं मैं लॉजिक के बेस पे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं कि चलो प्यार करते हैं, हमारी लाइफ में भी थोड़ा कलर होना चाहिए, हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और मज़े वाली ज़िंदगी जीते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो जब हम प्यार की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहाँ पे तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल होते हैं। सिंगल कहने का मतलब ये है जिनका पास्ट भी सिंगल रहा हो और करंट भी सिंगल हो। कहने का मतलब है कि ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी से रिलेशनशिप ना बनाया हो, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड कुछ भी ना हो, वो बिल्कुल सिंगल हो, प्योरली सिंगल हो। तो एक तो ऐसी कैटेगरी होती है लोगों की, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है हार्ट ब्रोकन वाले, मतलब ऐसे इंसान जिनका दिल टूटा होता है प्यार में, जिनका पार्टनर उनको किसी कारणवश छोड़ के चला गया होता है या ब्रेकअप हो गया, जो भी कुछ हुआ हो, बट उनका दिल टूटा होता है, वो रो रहे होते हैं, मायूस होते हैं, सैड होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन इसी दुनिया में एक कैटेगरी होती है एक्सपीरियंस्ड लोगों की, जिसको तीसरे नंबर पर रखा जाता है। एक्सपीरियंस्ड लोगों की कैटेगरी कहने का मतलब ऐसा है कि जिनको जिनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इसको मैं अगर थोड़ा और सिंपलीफाई करूं तो यहाँ पे सिंपलीफाई के रूप में आप मान लो एक दुकान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। तो जब हम इस प्यार की दुनिया में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे हम भी वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसका बहुत ज़्यादा अफेयर है, जिसके कई लोगों से चक्कर हैं, अफेयर हैं, और मतलब कि और जाहिर सी बात है उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा भी या दिखेगी भी, वो हर एक चीज़ में अट्रैक्टिव होगा, स्मार्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास जाने से बचना है। अगर कल्पना करो कि आप जो है ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो कि सिंगल है, जिसका कोई अफेयर ही नहीं रहा है, जिसने कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं है, उसको अगर आप रिलेशनशिप में ला रहे हो, उसको उसके साथ किसी तरीके से रिश्ता जोड़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है, एक कोरा कागज है उस पर आप कुछ भी लिखोगे तो कितना अच्छा उस पर दिखेगा ना। तो ये समझने की कोशिश करना, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आप पकड़ने की कोशिश करना कि अगर आप सिंगल लोगों को ऑप्ट कर रहे हो जो कि सिंगल हैं, जिनका कोई अफेयर वगैरह नहीं रहा है, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, तो आप दोनों जो है एक तरीके से सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो कितना अच्छे से आप जो है स्पेंड करोगे समय और वो इंसान आपकी कदर करेगा। और एक कहावत भी होती है, एक कहावत भी है ना हमारे यहाँ कि जो फर्स्ट लव होता है ना वो एक तरीके से ताउम्र मरते दम तक याद रहता है। तो आप जो सिंगल लोग हैं जिनका कोई अफेयर नहीं रहा है उनसे प्यार करिएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप अगर प्यार कर सकते हो तो ऐसे इंसान से करो जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे समझना, प्यार की कीमत वही इंसान समझेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या चीज़ है, प्यार की कीमत ये इंसान समझ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इंसान प्यार की कीमत समझेगा इसमें बहुत डाउट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि ये इंसान प्यार की कीमत बिल्कुल समझेगा। जिसका हार्ट ब्रेक हुआ होता है ना वो प्यार की कीमत अच्छे से समझता है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है तो हम उसकी कदर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हार्ट जिसका ब्रेक हुआ है उसको अगर प्यार मिल जाए ना, क्योंकि उसका हार्ट इसीलिए ब्रेक हुआ क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्यार किसी को किया है, इसीलिए तो वो दुखी है ना। बहुत ज़्यादा प्यार नहीं किया होता तो दुखी नहीं होता, तो सिंपल से यहाँ पे है। तो अगर हम उसको प्यार कर रहे हैं तो सिंपल है कि उसके पास तो ऑलरेडी प्यार है, हमने भी दे दिया, तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती हैं। तो हमको ऐसे लोगों को चुनना है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ। तो एक और पॉपुलर कहावत है कि किसी का पहला प्यार बनना बड़ी बात नहीं होती है, किसी का ऐसा प्यार बनो कि उसके आपके बाद किसी की ज़रूरत ही ना उसको पड़े, ठीक है। मतलब किसी का आखिरी प्यार बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो हार्ट जिसका ब्रेक हुआ उसको आप चुनोगे तो आप खुश रहोगे। यहाँ पे मैं आपको अब कंक्लूड करके आपको बता के आगे बढ़ता हूँ। आप सिंगल लोगों से प्यार करो जिनका कोई अफेयर नहीं रहा है,
खुश रहोगे लाइफ लॉन्ग, कभी भी आपका दिल नहीं टूटेगा। आप ऐसे इंसान से प्यार करो जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसका दिल टूट चुका है प्यार में। ये मत सोचो कि इसका अफेयर रह चुका है, ऐसा इंसान कभी धोखा नहीं देगा आपको, क्योंकि वो समझ चुका है प्यार क्या होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे इंसान से प्यार करो, लेकिन कभी भी आप एक्सपीरियंस्ड इंसान से प्यार मत करना जिसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हों, ठीक है ना, जिसके पास भीड़ लगी हो, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो, उससे कभी भी आप प्यार मत करना, कोई अटैचमेंट नहीं रखना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड में बस इतना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि कंटेंट जो है और लोगों के साथ भी साझा होना चाहिए, तो बिल्कुल शेयर करने में कतई मत हिचकना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हों वो जरूर लिखिएगा, ताकि मैं वहाँ से नए टॉपिक आपके प्रॉब्लम्स पे पिक कर सकूँ और बनाऊँ वीडियो। एंड में अगर आपने अभी तक लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटेंसिटी @CM4। वहाँ पे लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।